नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो बेसिकली चार इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का: हीटिंग इफ़ेक्ट, लाइटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट। तो इस वीडियो में हम केवल दो इफ़ेक्ट देखने वाले हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट और लाइटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट में हम बात करेंगे, तीन तरह का बेसिकली इफ़ेक्ट होता है: सीबेक, पेल्टियर और थॉम्सन। और लाइटिंग इफ़ेक्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके कारण होता है: इनकैंडिसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL और लेजर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव यानी इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो विद्युत धारा के प्रभाव को निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित चार जो है क्लासिफाई किया जाता है: ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफ़ेक्ट, प्रकाशिकी प्रभाव, लाइटिंग इफ़ेक्ट और चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफ़ेक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले हीटिंग इफ़ेक्ट, ये क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में, चालक में विद्युत धारा के प्रवाह यानी किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके रेसिस्टेंस के कारण जो भी ऊष्मा उत्पन्न होता है वही कहलाता है हीटिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, अब किसी रेसिस्टेंस मान लीजिए वाया कंडक्टर का आर प्रतिरोध वाले चालक में IA की विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित होता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होगा हीट होगा I2RT होगा। ये जूल के नियम के अनुसार होता है। अब देखते हैं इसका क्या यूज होता है, कहाँ हीटिंग इफ़ेक्ट का कहाँ यूज होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है घरेलू उपकरणों ठीक है, होम अप्लाइंसेस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, हीट कन्वेक्टर और आपका टोस्टर हुआ, इन इत्यादि जगहों पर जो है हीटिंग इफ़ेक्ट के प्रयोग होता है। इन उपकरणों का तापमान जो होता है वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। उच्च तापमान हमको प्राप्त करने के लिए इन उपकरणों में जो भी वायर हम यूज करते हैं कॉइल बनाने के लिए, उच्च प्रतिरोधकता वाले मिश्र धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। तो इस तरह का मेटल जो होता है सामान्यतः इसके लिए नाइक्रोम यूज किया जाता है। नाइक्रोम जो है निकील और क्रोमियम का एलाय होता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर मैग्नीन, तांबा, मैग्नीस तथा निकील का मिश्र धातु होता है का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। ऊष्मा की सहायता से किसी चालक में विद्युत का उत्पादन धारा का ऊष्मीय विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इस प्रभाव के में तीन संबंधित प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जो कि है सीबेक इफ़ेक्ट, पेल्टियर इफ़ेक्ट और थॉम्सन इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं सीबेक इफ़ेक्ट क्या होता है। दो धातु के जंक्शन को गर्म करने पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं सीबेक इफ़ेक्ट। पेल्टियर इफ़ेक्ट क्या होता है, दो चालक जंक्शन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या होता है, असमान गर्म धातु से विद्युत धारा का प्रभाव से ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। तो देखते हैं सीबेक इफ़ेक्ट क्या है। इस प्रभाव की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक सीबेक के द्वारा 1921 में की गई। सीबेक ने अपने प्रभाव को समझाने के लिए भिन्न भिन्न धातुओं यानी अलग अलग मेटल के जोड़े बनाए। जोड़ों के तापों का अंतर रहने पर धातु के तारों से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। इसी प्रभाव को जो है सीबेक इफ़ेक्ट कहा गया।
और इस प्रभाव के कारण जो है बहने वाली धारा को ऊष्मा विद्युत धारा कहते हैं। यदि एंटीमनी यानी SB एवं बिस्मथ यानी BI को जोड़ा जाए तो धारा की दिशा एंटीमनी से बिस्मथ की ओर होती है, जबकि तांबे एवं लोहे के युग्म में धारा की दिशा तांबे से लोहे की ओर होती है। इस प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रभाव का जो उपयोग है थर्मोकपल थर्मामीटर, ताप युग्म तापमापी तथा रेडिएशन मापने के लिए थर्मोपाइल के निर्माण में किया जाता है। अब देखते हैं पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है। इस इफेक्ट की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक पेल्टियर के द्वारा 1834 ईस्वी में की गई। यह प्रभाव जो है सीबेक प्रभाव का उल्टा होता है। इस प्रभाव के अनुसार दो धातु तारों को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन यानी हीट का प्रोडक्शन होता है या अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रभाव का उपयोग जो है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है। इस प्रभाव की खोज जो है थॉम्सन या लॉर्ड केल्विन के द्वारा की गई। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी गर्म धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में या तो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। थॉम्सन प्रभाव में सिर्फ एक चालक से संबंध होता है, यानी इसमें कंडक्टर की जो संख्या होती है वो 1 होती है। अब देखते हैं लाइटिंग इफेक्ट प्रकाशिकीय प्रभाव क्या होता है। चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से हायर ऑर्बिट से हायर इनर्जी लेवल ऑर्बिट से लोअर इनर्जी लेवल में आते हैं तो वो प्रकाश छोड़ते हैं और ये उत्सर्जित जो है प्रकाश को विद्युत का प्रकाशिकीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग ताप दीप्त बल्ब इनकैंडिसेंट लैम्प प्रतिदीप्त बल्ब यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब और संयुक्त प्रतिदीप्त यानी CFL तथा लेजर में किया जाता है। तो अब देखते हैं इनकैंडिसेंट बल्ब क्या होता है। सामान्यतः सामान्य प्रकार के विद्युत बल्बों को इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। ये बल्ब जैसे हमारे घरों में जो पीले रंग का लगा होता है बल्ब वही होता है इनकैंडिसेंट बल्ब। आजकल वो यूज नहीं होता है। इसका तापमान जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी इनर्ट गैस भरी जाती है जिससे बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट का वाष्पन यानी वेपराइजेशन रोका जा सके। तंतु के रूप में जो है फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस इनकैंडिसेंट बल्ब में जो है 90% जो है ऊष्मा तथा 10% प्रकाश प्राप्त होता है। 90% हीट और 10% लाइट प्राप्त होता है। अब देखते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त नली, इसी को सामान्यतः हम लोग ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। कांच की एक बेलनाकार खोखली नली होती है जिसमें दोनों छोरों पर इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड पर बेरियम ऑक्साइड की लेप चढ़ाई जाती है ताकि विद्युत धारा के प्रभाव से इलेक्ट्रोडों से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। नली के अंदर लो प्रेशर पर गैस भरी जाती है जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्तेजित होकर UV रेस यानी पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ते हैं। नली के दीवारों पर फास्फोरस नामक प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है जो यूवी रेस का अवशोषण कर विजिबल लाइट छोड़ता है, दृश्य प्रकाश छोड़ते हैं। नली में श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट प्राप्त करने के लिए पारा तथा आर्गन और पीला लाइट प्राप्त करने के लिए सोडियम तथा नारंगी लाइट प्राप्त करने के लिए
नियॉन का उपयोग किया जाता है। ये बात पूछा जाता है कि नली में जो है ट्यूब में वाइट लाइट प्राप्त करने के लिए पारा और आर्गन, और येलो लाइट प्राप्त करने के लिए सोडियम, और ऑरेंज लाइट प्राप्त करने के लिए नियॉन का उपयोग किया जाता है। नियॉन का उपयोग सामान्यतः जो है एडवर्टाइजमेंट के ट्यूब में भी होता है। इस नली में जो है उत्पन्न ऊर्जा का 70% जो है हीट के रूप में और 30% लाइट के रूप में प्राप्त होता है। अब देखते हैं संयुक्त प्रतिदीप्त दीप्त कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL। यह लैम्प भी प्रतिदीप्त नली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यह भी जो है ट्यूबलाइट के भांति ही प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। इसमें प्रकाश विकिरणक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड LED का प्रयोग किया जाता है। इससे निकलने वाले प्रकाश का रंग फास्फोरस के प्रकार पर निर्भर करता है, कैसा फास्फोरस उसमें डाला गया है। अब देखते हैं लेजर। तो लेजर का जो पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उत्प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश किरणों का प्रवर्धन, यही इसका संक्षिप्त रूप है, लेजर का विस्तृत रूप है। इसका आविष्कार जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थियोडोर साइमन ने 1960 ईस्वी में किया। पहला निर्मित लेजर जो है रूबी क्रिस्टल लेजर था, जिससे लाल रंग की किरणें, लाल रंग की जो रेज हैं पैदा की गईं। इसमें जो है कला संबंध कोहेरेंट एवं एक वर्डी यानी मोनोक्रोमैटिक प्रकाश प्राप्त होता है। कला संबंध मतलब क्या है, इसमें जो है वो हम जब लाइट इससे हम जलाते हैं तो इसमें जो है लाइट जो है उसका संबंध जो है जहाँ हम डालते हैं जिस पे सीधे संबंध उसी से होता है, बीच में जो है प्रकाश का जो है वो डाइवर्ट नहीं होता, फैलता नहीं है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है, आँखों की शल्य क्रिया, प्रकाश तंतु द्वारा दूर संचार के संकेतों का प्रेषण, ठीक है, धातुओं के वेल्डिंग, नाभिकीय शल्यन, होलोग्राफी, CD में आंकड़ों की रिकॉर्डिंग एवं उसका पाठन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।